वापस एक बार हम लोग करने वाले हैं iPhone 12 Pro Max का गेमिंग रिव्यू, जो कि मेरे भाई का देखा हट, तूने उस दिन गिराया था ना। अबे वीडियो करना है, नहीं मिलेगा, जा। एक मिनट है गाइस, एक मिनट दे दिया उसने, मैंने जबरदस्ती नहीं लिया, प्यार से ही लिया एकदम। अबे साले, पहले शुरुआत करते हैं पबजी से। लेकिन मैंने तो सुना था ये वापस आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय पबजी। कॉल ऑफ ड्यूटी ही अपना सहारा है अभी टेस्टिंग के लिए। जो ग्राफिक्स सेटिंग है हम लोग यार फुल हाई कर देते, मतलब फुल एकदम फुल सेटिंग हाई करके अभी हम लोग इसको खेलते हैं। सो अभी यार ये डिस्प्ले पे एकदम मस्त दिख रहा है ये फोन, ऐसा मुझे लग रहा है देखते ही। मैं कहाँ पे गया, मेरे टीममेट को मारेगा ये। अबे कूद रहा है आराम से। अबे चाकू देना है तुझे, चाकू। यप चाकू। अबे और एक को चाकू दे दे। यप मजा आ रहा है यार इसमें खेलने में। एक्चुअली ना FPS थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। देखो यार आईफोन का है ना परफॉर्मेंस हमेशा एकदम कांस्टेंट मिलता है, बस जब इसका बैटरी है ना काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी कम इन द सेंस कि 1-2% हो जाता है ना, तभी इसका परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत कम होता है, वरना परफॉर्मेंस कम होता ही नहीं इसका थोड़ा भी। ओ क्वाड किल, अरे नहीं यार ट्रिपल किल हो गया सिर्फ। मुझे पहले लगा था गाइस कि ये फ़ोन थोड़ा हैवी है इसलिए मुश्किल जाएगा मुझे, बट थोड़ा भी ऐसा मुश्किल नहीं लग रहा है मुझे खेलने में। हाथ में एकदम मस्त बैठ रहा है ये। मेरा एमो ख़त्म हो गया। ओ भाई जीत भी गए हम लोग। और इसका यहाँ पे जो स्पीकर है ना गाइस, वो ऐसे बंद ना होता जब आप ऐसे खेलते हो, बट मुझे लगता है ऐसे खेलोगे तो या ऐसा डेफिनेटली फुल बंद हो जाता है नॉर्मली जो भी फ़ोन है उससे। जो कैमरा बम्प है ना वो भी इतना बीच में नहीं आता, हाथ के बीच में। ये जो साइड का मेटल है ना यार, ये पकड़ने में मज़ा आता है, लेकिन थोड़ा बहुत गर्म हो ही जाता है फ़ोन, मतलब थोड़ा सा वार्म हो गया है, फुल गर्म भी नहीं हो गया है। और ये नॉच यार भूल ही जाते हैं अभी तो लोग। इसका जो बॉक्सी डिज़ाइन है ना, स्टिल इसकी वजह से मुझे थोड़ा भी अनकंफर्टेबल नहीं लगा, ऐसा लगा भाई नॉर्मली हम लोग खेलते वैसा ही है। जो स्क्रीन भी है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगी, इस पर कुछ भी हम लोगों ने स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगवाया, इवन कुछ कवर भी नहीं लगवाया अब तक। ये अभी गाइस हम लोग एस्पॉल्ट 9 टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा दिखता है। बेसिकली इसमें परफॉर्मेंस से ज़्यादा यार दिखने में कैसा है वो देख रहे हैं हम लोग। गाइस इसमें जो साउंड है ना एकदम मस्त आ रहा है यार, क्या ही बोलूँ आपको, एकदम मस्त ऐसा सुनाई दे रहा है स्पीकर पे भी इवन। क्या बाप मजे आ रहे, एकदम मस्त दिखता है यार ये गेम। थोड़ा सा यार हम लोग खेल के देखते हैं अमंग अस, और लाइक करना यार वीडियो को। ये देखो लाइक करने बोला, इधर लाइक करो, इसमें कभी इंपोस्टर नहीं बनेंगे हम लोग। ओ भाई साहब किसने मारा इसको, पर्पल ये है डेफिनेटली, मैं गारंटी देता हूँ। देखो तुम लोग पर्पल निकला ना तो मैं सबसे बड़ा प्रो हूँ और लाइक देना ही पड़ेगा आपको। ओके नहीं नहीं लाइक मत दो लेकिन सब्सक्राइब करो, मैंने ऐसा नहीं बोला कि क्या बोलते सब्सक्राइब नहीं कर सकते। ओ भाई ये कब मारा इसने मेरे पास में आके। भाई साहब मुझे हटवा दिया इन लोगों ने, भाई साहब मेरा कोई सुनता ही नहीं यार, इसलिए बोला सुना करो यार, लाइक करो सब्सक्राइब करो, कोई सुनता नहीं। अभी क्या करते गाइस हम लोग है ना सारे गेम्स चालू करके देखते हैं और देखते हैं कि वो चालू रहते क्या। टेम्पल रन भी है अपने पास, अभी हम लोग देखते हैं सारे गेम्स अभी भी चालू है क्या। पहले अमंग अस फुल चालू है, देन ये गेम भी, ये भी चालू है फुल जैसे का वैसा है, देन ये टेम्पल रन भी भाई वैसे का वैसा ही चालू है अभी भी। सबवे सर्फर अभी भी चालू है, एस्पाल्ट भी अभी भी चालू है, देन लास्ट का अपना कॉल ऑफ ड्यूटी चालू है क्या वो देखना है मुझे बस। भाई साहब कॉल ऑफ ड्यूटी भी एकदम ठीक से चालू है, तो 6GB रैम का यार काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है कि आप मल्टीपल गेम्स चालू कर सकते हैं लेकिन मल्टीपल खेल नहीं सकते ऑब्वियसली। अभी है ना गाइस हम लोग देखने वाले हैं कि बिना लाइट के कैसे लगता है खेलना। आपको पता ही यार कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम लोग यार घर पे सब लोग सो गए और हम लोग सिर्फ गेम खेल रहे,
सब लाइट्स बंद है, इसलिए यार ये टेस्ट मुझे लगा एकदम अच्छी है, मेरे भाई ने सजेस्ट की। आपको है ना थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है बिकॉज ऑफ द कैमरा, बट मुझे ना एक्चुअली बिल्कुल भी ब्राइट नहीं दिख रहा है। मुझे जो अपना काफ़ी कम ब्राइटनेस होती है, लाइक जीरो ब्राइटनेस वैसा दिख रहा है अभी। इतना कम ब्राइट है ना कि एनिमी स्पॉट होना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। हो गया भाई, जीत गए, अंधेरे में भी हम लोग एकदम जीत गए। ये देखो गाइस, इतने कम ब्राइटनेस पे भी मैंने खेल के देखा तो आंखों को यार थोड़ा सा भी स्ट्रेन नहीं आता है, बस थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ती है कभी कभी टारगेट्स नहीं दिखे तो। गाइस एक्चुअली बोले तो इस फोन को जरूरत थी भी नहीं गेमिंग रिव्यू की, परफॉर्मेंस टेस्ट की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये ठीक है, मतलब ये चीज़ें ठीक है कि कितना वेट ज़्यादा इसका पकड़ने में सही है क्या, बस ये चीज़ें हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, बाकी परफॉर्मेंस फ्लॉलेस एकदम बाप आता है। और जो वेट है ना भाई, फील नहीं होता अगर आप यूज्ड टू हो कोई भी ऐसे बड़े फ़ोन को देखने के लिए, बिल्कुल भी फील नहीं होता, हाथ भी दर्द करने नहीं लगा। मे बी इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन एकदम ऐसा इक्वल टाइप है इसलिए हुआ ऐसा। वापस किया मैंने ये, भाई इस बार गिर गया तो नेक्स्ट वीडियो मेरे आएंगे ना आईफोन के, मेरा भाई मार देगा मुझे। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक दे दो, पहले सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।